सीतापुर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। सीतापुर जिला लखनऊ व शाहजहांपुर के मध्य में सराय नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह जिला विशेष रूप से आंख उपचार के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर गुप्त शासकों का कब्जा था, जिनके द्वारा बनाए गए अनेक किले व इमारत आज भी सीतापुर जिला में मौजूद है। इसके अलावा शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए अनेक कुएं आज भी सीतापुर में देखने को मिल जाएंगे। लगभग 5743 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैले सीतापुर जिला की जो कुल आबादी है वह 44,83,000 है। इस 44,83,000 में 23,75,000 पुरुष तथा 21,10,000 महिलाएं मौजूद हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सन 1921 में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में सीतापुर जिला के अनेकों लोगों ने हिस्सा लिया था, जिनके द्वारा अनेक लोग जो है वो शहीद भी हुए थे, जिनकी वीरता की गाथा आज भी सीतापुर के लोग गाते हैं। दोस्तों सीतापुर जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ घिरा हुआ है, जिसमें लखीमपुर खीरी जिला, बहराइच जिला, लखनऊ जिला, बाराबंकी जिला और हरदोई जिला है। और सीतापुर जिला की जो मुख्य नदी है वो शारदा नदी है। शारदा नदी व गंगा नदी के किनारे पर बसा सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 88 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 456 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आवागमन की बात करें तो यह जिला जो है वो रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, रेल मार्ग। दोस्तों वैसे तो सीतापुर जिला में कुल 38 रेलवे स्टेशन मौजूद है, लेकिन यहाँ का जो मुख्य रेलवे स्टेशन है वो सीतापुर जंक्शन है, जिसका स्टेशन कोड STP है। और सीतापुर जंक्शन में 5 प्लेटफॉर्म तथा 8 ट्रैक मौजूद हैं। सीतापुर जंक्शन लखनऊ सीतापुर लाइन, लखीमपुर पीलीभीत लाइन, बरेली कासगंज लाइन पर स्थित है और नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे जोन के लखनऊ NIR डिवीजन के अंतर्गत आता है। इस रेलवे स्टेशन के माध्यम से सत्याग्रह एक्सप्रेस, कामाख्या एक्सप्रेस, गोरखपुर एक्सप्रेस, मैलानी एक्सप्रेस, गोंडा एक्सप्रेस जैसी कई तमाम रेलगाड़ियां जो है वो सीतापुर जंक्शन के माध्यम से होकर गुजरती है, जो कि आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। नंबर दो, सड़क मार्ग। दोस्तों सीतापुर जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 24 गुजरती है, जो कि सीतापुर को बरेली और लखनऊ से जोड़ती है। इसके अलावा सीतापुर बस स्टैंड के माध्यम से कानपुर, लखनऊ, नई दिल्ली, आगरा, बड़े बड़े शहरों के लिए जो है वो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा बस सेवा संचालित की जाती है। नंबर तीन, हवाई मार्ग। दोस्तों वैसे तो सीतापुर जिला में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन यहाँ का जो सबसे नज़दीक में स्थित जो एयरपोर्ट है वो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ का है, जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों सीतापुर जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। सीतापुर जिला में कई ऐसे घूमने के स्थान है जहां पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सा खास घूमने का स्थान है जो कि सीतापुर जिला में मौजूद है। लेकिन दोस्तों इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर एक, खैराबाद। खैराबाद सीतापुर का एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है। यह राजा विक्रमदित्य के समय में एक प्रमुख तीर्थ स्थान था। कुछ लोगों का मानना है कि खैरापाशी ने 11वीं सदी में इस शहर की स्थापना की थी। खैराबाद वही स्थान है जहां पर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। खैराबाद में कई बड़े बड़े उर्दू शायर हुए हैं, जिनमें अल्लामा फजले हक खैराबादी यहाँ के मुख्य हैं। नंबर दो, ललिता देवी मंदिर। यह मंदिर मुख्य रूप से माँ ललिता देवी को समर्पित है। यहाँ पर मान्यता यह है कि यहाँ पर जो है वो जो भी यहाँ पर सच्चे मन से अपने मुराद लेकर आता है, उसकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी होती है। और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर माँ का हृदय गिरा था, तभी से जो है वो ललिता देवी मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्धि के साथ उपलब्धियां में पड़ा हुआ है। नंबर तीन, नवीशारण। नवीशारण सीतापुर जिले का सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय स्थान है।
यहाँ पर जो है वो लोगों का कहना है कि नमिषारण्य में भगवान ब्रह्मा ने मनरूपी चक्र गिरा था। इस स्थान को तालाब से घेरा गया है और यहाँ पर जो है वो अनेकों आसपास मंदिरें मौजूद है। नमिषारण्य जो है वो सीतापुर के सबसे बड़े पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। नंबर 4, कल्व रेंजर पार्क। यह पार्क सीतापुर के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इस पार्क में खूबसूरत पेड़ पौधे फूल लगे हैं जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। कल्व रेंज पार्क में कई पालतू पक्षियां हैं जैसे कि कबूतर, हंस, बत्तख आदि देखने को जो है वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। इस पार्क में जाने के लिए आपको 30 रुपए का टिकट कटाना पड़ेगा। नंबर 5, महमूदाबाद का किला। इस किले की स्थापना 1677 ईस्वी में राजा महमूद खान ने की थी। यह किला राजा की कोठी के नाम से भी जाना जाता है। यह कोठी अवध वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, इसके अलावा सीतापुर जिला में और भी कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं जिसकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। दोस्तों, सीतापुर जिला 7 तहसीलों में बटा हुआ है। सीतापुर, मिश्रिक, महोली, महमूदाबाद, बिशवा, सिधौली और लहरपुर। इसके अलावा 19 विकास खंड, 29 पुलिस स्टेशन, 4 सरकारी अस्पताल, 11 नगर पालिका, 7 विश्वविद्यालय और 2437 ग्राम पंचायतें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर उद्योग की बात करें तो 17वीं और 18वीं के शताब्दी में के दौरान सीतापुर एक प्रमुख औद्योगिक शहर के रूप में विकसित था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खैराबाद में वस्त्र उद्योग के कई कारखाने मौजूद थे, लेकिन आज के समय में सीतापुर उद्योग के क्षेत्र में उतना ज्यादा तो विकसित नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उद्योगों में चीनी मिल, आटा मिल, कपास व चटाई बनाने के जो कारखाने हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो सीतापुर जिला है वो आँख उपचार के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दूर दूर से जो है वो आँख से पीड़ित लोग यहाँ पर अपने आँखों का इलाज कराने के लिए सीतापुर में आते हैं। अगर वही व्यवसाय की बात करें तो सीतापुर का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि पर आधारित है। यहाँ पर गन्ने की खेती जो है वो काफी भारी मात्रा में की जाती है। अगर शिक्षा की बात करें तो यहाँ की जो साक्षरता दर है वो काफी ठीक ठाक है। यहाँ पर कई ऐसे स्कूल व कॉलेज हैं जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। हिंदू कन्या इंटर कॉलेज, ग्रीनफील्ड कॉलेज, सुमित्रा इंटर कॉलेज, आरएमपी डिग्री कॉलेज, ये सभी स्कूल व कॉलेज जो हैं वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में मौजूद हैं, जो कि यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। दोस्तों, सीतापुर जिला की जो है वो 28% आबादी शहरों में रहती है। बाकी जितने भी आबादी है वो आज भी सीतापुर के गाँवों में रहकर अपना जीवन यापन करती है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। बाकी अगर वो वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।